अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. हाउ आर यू ऑल? होप सो दैट यू आर गुड एंड फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह सुभानहू व तआला. वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू योर ऑनलाइन क्लासेस एंड आई होप दैट सून योर क्लासेस, योर फिजिकल क्लासेस विल बी स्टार्ट सून. ओके, सो जब तक आपकी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट नहीं होती तब तक हम ऑनलाइन ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे. सो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 9. सो ओपन पेज नंबर 52. योर चैप्टर नंबर 9 इज सिंपल मशीन. ओके, आपका चैप्टर नंबर 9 है सिंपल मशीन ऑन पेज नंबर 52. एज द हेडिंग शो सिंपल मशीन. मशीन क्या होती है? ठीक है, हर वो चीज़ जो आपका काम आसान बनाए. ठीक है, जो आपका चीज़ यानी कि टूल, कोई भी ऐसा टूल जो आपका काम ईजियर करे, आसान करे, जिसकी हेल्प से आप अपना काम आसान कर सकें, उसे मशीन कहते हैं. देखिए, डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स होती हैं. सिंपल मशीन्स मीन्स जो कॉम्प्लिकेटेड ना हो. अब देखें, बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, आप अगर आप देखते हैं तो उसमें कितने सारे स्पेयर पार्ट्स होंगे उसके, बट सिंपल मशीन में ऐसा कुछ नहीं है. सिंपल मशीन आज एज द नेम शो बहुत ही सिंपल होगी. किस पर डिपेंड करती है, मतलब वो एक सिंगल आपका लिवर भी हो सकता है, आपका एक सिंपल इंक्लाइन प्लेन भी हो सकता है, यानी कि आपका एक फ्लैट सरफेस भी हो सकता है. बस क्या होगा, वो आपके वर्क को ईजियर कर देगा. लाइक टूल, कोई भी टूल हो सकता है, जैसे आपका बॉटल ओपनर. आप बॉटल ओपनर आपका बॉटल ओपन करते हैं, ठीक है, तो वो भी आपकी एक सिंपल मशीन है. देखिए, उसमें कुछ भी नट्स वगैरह नहीं लगे, स्क्रू वगैरह नहीं लगे, सिंपल, उसके कोई स्पेयर पार्ट्स नहीं है, तो वो सिंपल मशीन हो गई. ठीक, यानी कि है तो एक टूल जो आपका काम आसान कर रहा है. ओके, बाकी इसके बारे में डिटेल हम चैप्टर रीड करके रीड आउट करते हैं. सो फोकस ऑन योर बुक्स, अपने बुक्स पर फोकस करें. आई एम गोना रीड, मैं रीडिंग करने जा रही हूँ. फोकस. सिंपल मशीन्स आर टूल्स. सिंपल मशीन टूल्स हैं, टूल्स कहते हैं औजार को. ठीक है, टूल्स दैट मेक वर्क ईजियर, जो हमारे काम को आसान बनाता है. दे अलाउ देयर यूजर टू अकम्प्लिश मोर वर्क यूजिंग लेसर फोर्स. यानी कि ये अपने इस्तेमाल करने वाले को इस काबिल बनाता है कि वो अपना काम मुकम्मल कर सके यूजिंग मोर वर्क, यानी कि ज़्यादा काम कर सके यूजिंग लेसर फोर्स, कम फोर्स के ज़रिए. यानी कि अगर उसने काम करना है तो उसकी फोर्स, उसकी एफर्ट कम हो जाए और उसका काम स्पीडली हो जाए, और जब काम तेज़ी से होगा तो वो काम ज़्यादा निपटेगा, यानी कि ज़्यादा काम होगा अगर कोई काम जल्दी हो जाए. देखिए, आपका काम मशीन क्या करती है, आपका काम आसान करती है. कैसे काम कर आसान करती है? अगर इसके एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूँ, आप टेलर के पास जाते हो कपड़े स्टिच करवाने, लेकिन अगर वही टेलर मशीन की जगह हाथ से वो सुई धागे की मदद से सीना स्टार्ट कर दे आपके कपड़े, तो क्या वो एक दिन में आपका कंप्लीट सूट बना सकता है? नो, कभी भी पॉसिबल नहीं है ना. जबकि आपकी मशीन से वो एक दिन में पता नहीं कितने सारे ड्रेसेस सीता होगा. ठीक है, यानी कि मशीन ने क्या किया, उसका काम ईजियर, आसान कर दिया, और वो ज़्यादा काम कर रहा है और कम मेहनत लग रही है, उसकी फोर्स भी कम लग रही है. द सिंपल मशीन्स आर, सिंपल मशीन्स कौन कौन सी हैं, उसके एग्जांपल्स हैं लिवर, पुली, इंक्लाइन प्लेन, वेज एंड व्हील एंड द एक्सल. ठीक है, व्हील और एक्सल जो हैं ये सारी एग्जाम्पल्स हैं किसकी, लिवर, पुली, इंक्लाइन प्लेन, वेज एंड व्हील एंड एक्सल किसकी एग्जाम्पल है, सिंपल मशीन की. ठीक है, मशीन्स की एग्जाम्पल हैं, और अब हम इन एग्जाम्पल्स को डिटेल्ड में पढ़ेंगे वन बाय वन करके. नंबर वन इज लिवर. द लिवर इज अ लॉन्ग पोल. लिवर क्या है, लॉन्ग पोल है, और रॉड या फिर रॉड, एक लॉन्ग रॉड या फिर एक लॉन्ग पोल क्या है, लिवर है. कैसे, पुट अंडर एन ऑब्जेक्ट टू लिफ्ट इट. जो आप किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट के अंडर रख कर आप हैवी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, उसे लिफ्ट कर सकते हो. लाइक का स्टोन, बहुत बड़ा स्टोन अगर पड़ा हो तो आप रॉड लेके, फॉर एग्जांपल मैं यह बना देती हूँ, रॉड पड़ा हो तो आपने इसे हटाना हो अपनी प्लेस से, तो आप रॉड का इस्तेमाल इसके अंडर
रॉड करके यहाँ पर एफर्ट पुल करोगे तो ये स्टोन आगे की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है, ये स्टोन आगे की तरफ मूव कर जाएगा, यानी कि या तो ये लेफ्ट करने के काम आएगा या उसे अपने प्लेस से हटाने के काम आएगा। द लिवर इज मोर एफिशिएंट, यानी कि लिवर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा व्हेन कंबाइंड विद द फलक्रम, जब उसके साथ फलक्रम को ज्वाइन किया जाएगा, ठीक है। अब क्या है फलक्रम, क्या है फलक्रम, इज अ स्पोर्ट, फलक्रम स्पोर्ट है डेट इज प्लेस्ड अंडर द लिवर, जो लिवर के नीचे प्लेस की जाती है। देखिए आप अगर डायरेक्ट इसके नीचे लिवर रखोगे तो आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, बट अगर हम यहाँ पर भी एक स्टोन या फिर एक तिकोन चीज़ जहाँ रख देते हैं, कोई स्पोर्ट रख देते हैं, तो आपका रॉड, आप यहाँ पर कम एफर्ट भी लगाओगे तो ये आपका आसानी से स्टोन मूव कर जाएगा। तो ये क्या है, ये आपकी जो स्पोर्ट है फलक्रम है, क्योंकि ये आपके काम को मज़ीद आसान कर देती है, ठीक है, यानी कि आपके लिवर की वर्किंग को मज़ीद एफिशिएंट कर देती है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट कर देती है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट विच इज़ टू बी लिफ्टेड, वो ऑब्जेक्ट जिसे उठाना हो इज़ ऑन वन एंड, वो एक एंड पर होगा, एंड ऑन द अदर एंड, और दूसरे एंड पर द फोर्स इज अप्लाइड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ फोर्स या ताकत अप्लाई की जाएगी। देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर ये ऑब्जेक्ट है इसे लिफ्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उसके नीचे रॉड यानी कि लेवर प्लेस करेंगे, और लेवर को प्लेस करने के बाद फलक्रम यानी कि स्पोर्ट प्रोवाइड कर देंगे और फोर्स को डाउनवर्ड अप्लाई करेंगे, यानी कि एक साइड पर आपने ऑब्जेक्ट रखा जिसे लिफ्ट करना है, दूसरी साइड पर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इजीली लिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। द लोकेशन ऑफ द फलक्रम, जो लोकेशन है यानी कि आप किस जगह पर फलक्रम को लगा रहे हो, हेल्प डिटरमाइन हाउ वेल द लिवर विल परफॉर्म, यानी कि आपकी जो फलक्रम की प्लेस है या आप फलक्रम किस जगह प्लेस कर रहे हो वो आपको बताएगी कि लिवर कितना अच्छा वर्क कर रहा है, ठीक है। जितना आप इसको, आप देखिए यहाँ पर जितना आप ऑब्जेक्ट के क्लोज फलक्रम रखोगे उतना ही इजीली आपका ऑब्जेक्ट लिफ्ट होगा, और जितना दूर होगा, देखिए अगर मैं यहाँ पर फलक्रम प्लेस करती हूँ, देखिए रॉड इस सरफेस है, अगर मैंने यहाँ फलक्रम प्लेस किया है तो ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर पाएगा इस ऑब्जेक्ट को, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को अगर मैंने यहाँ पर फलक्रम प्लेस किया है तो फोर्स ज़्यादा रहेगी तो ये ज़्यादा आप इसे लिफ्ट कर सकते हो, ज़्यादा ऊंचा उठा सकते हो। आप फलक्रम सॉरी आप ये लिवर वाली एग्जांपल अपने घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट स्टोन ले लें कोई, या फिर चेयर टेबल कुछ भी इस तरह की कोई हैवी ऑब्जेक्ट ले लें, लेकिन इतनी हैवी ना हो कि आपको उससे नुकसान पहुंचे, ठीक है। तो आप उसे एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो फलक्रम है वो डिसाइड करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट, आपका जो लिवर है कितना अच्छा वर्क कर रहा है, ठीक है। द क्लोजर द फलक्रम टू द ऑब्जेक्ट बीइंग लिफ्टेड, यानी कि जो ऑब्जेक्ट उठानी है फलक्रम उससे जितना ज़्यादा क्लोज होगा, द ईजियर टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट, उतना ही आसान होगा उस ऑब्जेक्ट को उठाना। द लॉन्गर द लिवर, जितना ही लंबा यानी कि जो लिवर है आपका उसकी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, द हायर द ऑब्जेक्ट कैन बी लिफ्टेड, और उतना ही ऊँचा वो लिवर उठाया जा वो ऑब्जेक्ट उठाया जा सकता है, वो लिफ्ट किया जा सकता है। यानी कि अगर रॉड जो है वो उसकी लेंथ छोटी होगी तो उतना ज़्यादा हाइट पर नहीं उठाया जा सकेगा, रॉड की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, लिवर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हायर ऑब्जेक्ट आप ऑब्जेक्ट को उठा सकते हो। इफ़ यू हैव एवर प्लेड ऑन अ सीसॉ, अगर आपने कभी सीसॉ पर कभी खेला है एट द प्लेग्राउंड में, हेयर इज द एग्जाम्पल ऑफ सीसॉ, जहाँ पर देखें दो स्टूडेंट्स होते हैं, और ये देखें ये लिवर की एग्जाम्पल है, दिस इज काइंड ऑफ रॉड जिसके दो एंड्स पे सीट्स लगी होती हैं और दरमियान में बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर आपका स्पोर्ट लगी होती है, स्पोर्ट क्या है आपकी फलक्रम है, ठीक है। और अगर आप देखें तो अगर एक पर्सन को वेट कम हो एक पर्सन का और एक पर्सन का ज़्यादा हो तो दूसरा पर्सन को वो उठा सकता है, ठीक है, इजीली उठा सकता है, ना कोई एफर्ट लगानी पड़ती है ज़्यादा उसे, वो आसानी से उठा सकता है उसे। लेकिन अगर दोनों का वेट बैलेंस होगा तो ये ना तो ये ऊपर जाएगा सीसॉ ना ये नीचे जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो बैलेंस पॉइंट पर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, इफ़ यू हैव एवर प्लेड ऑन सीसॉ एट द प्लेग्राउंड, अगर आपने कभी प्लेग्राउंड में सीसॉ पर खेला है, देन यू हैव यूज्ड अ लिवर, आपने लिवर का इस्तेमाल किया है,
एग्जाम्पल ऑफ लिवर इंक्लूड, लिवर की एग्जाम्पल में शामिल हैं स्टेपलर, नट क्रैकर, ट्वीजर्स, कैन ओपनर, ETC. ये सारी क्या एग्जाम्पल्स हैं, लिवर की एग्जाम्पल हैं। स्टेपलर भी देखें आप, स्टेपलर का शेप ऐसा होता है, यहाँ से ज्वाइन होगा और इसके दरम्यान आप वो करते हो तो ये प्लेस उसकी क्या होगी, ज्वाइन होगी। जहाँ से प्लेस ज्वाइन होगी वो फलक्रम होगा, ठीक है। और दो प्लेसेस होते हैं, दो रॉड्स हैं, उसके दरम्यान आप कुछ भी स्टेपल कर लो। इसी तरह आपका नट क्रैकर भी है, आपका ट्वीजर भी है और आपका कैन ओपनर भी है। देखिए, ओपनिंग कैन विद हेल्प ऑफ लिवर, लिवर की हेल्प से आप कैन ओपन कर लो, ठीक है। तो आपकी ये सारी किस चीज़ की एग्जाम्पल्स हैं, लिवर की एग्जाम्पल हैं, ठीक। नाउ कम ऑन सीजर्स, सीजर्स क्या है, लेट्स हैव अ चेक। अ पेयर ऑफ सीजर्स इज अ फॉर्म ऑफ सिंपल मशीन, सीजर का जो पेयर है वो क्या है, सिंपल मशीन की फॉर्म है, विच इज मेड अप ऑफ लिवर एंड फलक्रम, जो किससे मिलकर बना है, लिवर और फलक्रम से मिलकर बना है। द लोड फोर्स पेपर इज एट द ब्लेड एंड, आपका जो लोड है या फोर्स है, जो पेपर है वो किस में कहाँ रखा जाता है, ब्लेड एंड साइड पर रखा जाता है। टू ब्लेड्स एक्ट्स एज अ लिवर्स, जो दो ब्लेड हैं वो लिवर्स के तौर पर काम करते हैं। द फलक्रम इज यूजुअली अ स्क्रू, इसमें फलक्रम क्या होता है, स्क्रू होता है। एंड द एफर्ट फोर्सेस ऑन द हैंडल्स, और जो फोर्स लगाई जाती है वो हैंडल्स पे लगाई जाती है। हेयर इज अ डायग्राम ऑफ लिवर, देखें ये दो ब्लेड्स हैं, अगर हम इसे सेपरेट कर दें, इसको हटा दें हैंडल्स को, तो आप देखेंगे जस्ट रॉड शेप बन जाएगी, ठीक है। तो ये दो ब्लेड्स हैं, ये दो लिवर्स हैं, ठीक है। आपका जो फोर्स अप्लाई होता है, यहाँ पर आपका लोड होता है, यानी कि आप पेपर सीजर के दरमियान पेपर रखते हैं, ठीक है, दो ब्लेड्स के दरमियान पेपर रखेंगे। फोर्स कहाँ अप्लाई की जाएगी, इन हैंडल्स को आप प्रेस करोगे तो जो पेपर है वो कट जाएगा, ठीक है, लोड से आएगा। और ये दो आपका स्क्रू लगा होता है दरमियान में, दो फलक्रम्स को जो दो ब्लेड्स को जोड़ता है, दो जो दो लिवर्स को जोड़ता है, वो क्या है, वो प्लेस क्या है, फलक्रम, ठीक है। ओके, हेयर ब्लेड लोड, देखिए आप इस तरह कट करेंगे तो पेपर कटता जाएगा, ब्लेड्स ऑफ सीजर्स। ये भी किस चीज़ की एग्जाम्पल है, सिंपल मशीन की एग्जाम्पल है और लिवर की एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, या आज का लेक्चर में हमने लिवर पढ़ा और लिवर की एग्जाम्पल्स में हमने क्या पढ़ा, सीसॉ देखा है, हमने नट क्रैकर देखा है, कैन ओपनर देखा है, और उसके अलावा हमने सीजर की एग्जाम्पल देखी है, और हमने ये भी देखा कि लिवर किस तरह वर्क करता है और फलक्रम का क्या काम है, फलक्रम किस तरह सपोर्ट करता है और लिवर की वर्किंग को कैसे एफिशिएंट करता है। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडे, इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फी अमानिल्लाह।